हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। हमने आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आए हैं, ये 1000 सब्सक्राइबर्स स्पेशल प्रोग्राम है इंग्लिश के लिए। हम इसमें आपको इंग्लिश की तैयारी करवाएंगे, एक टाइप का क्रैश कोर्स है ये, और ये बीए ऑनर्स के लिए है, बीए ऑनर्स के सभी सब्जेक्ट के लिए, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के लिए, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए, बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए भी है, और साथ ही बैचलर्स में जिस भी सब्जेक्ट में इंग्लिश आती है उन सभी के लिए है, बीए ज्योग्राफी, बीबीए, बीकॉम, सब के लिए। तो इस इंग्लिश में हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं, जो आती हैं सिर्फ वही सीखेंगे हम। सबसे पहले की बात करें कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, बी ऑनर्स इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आता है, और बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी में भी आता है। ज्योग्राफी में लास्ट पैसेज आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, और इस पैसेज के अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, लेकिन इसको करने का तरीका नहीं आता है, बिकॉज आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, और आपको उस लिमिटेड टाइम में उस ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जब तक आप खुद पहले से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ जाके एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको कैसे ढूंढना है, कैसे इस चीज़ का आंसर आपको कैसे मिलेगा। इसके बाद सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आपको पता है टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में डिवाइड किया हुआ है, उसके बाद उसके सब टाइप्स भी होते हैं। तो हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे इन डिटेल विद द रिवीजन, इन सब का रिवीजन भी होगा। सेंटेंसेस पढ़ेंगे इन डिटेल, जिसमें हम एक एक पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे, एक एक सब टाइप को अच्छे से कवर करेंगे, और फिर उसका रिवीजन भी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं, मगर अगर माने कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है तो प्रेपोजिशंस का होता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज इज़ अ डाउट वन कि वो आएगा नहीं आएगा। वो बीए ऑनर्स इंग्लिश में तो कन्फर्म ही कन्फर्म आता है, क्योंकि उनके सिलेबस में ही दिया हुआ है, बट बाकी सब में इट्स नॉट कन्फर्म्ड, लेकिन प्रेपोजिशंस सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है इंग्लिश में। और बहुत ही कंफ्यूजिंग सा भी लगता है कभी कभी कि टू लगेगा, फ्रॉम लगेगा, इसलिए हम प्रपोजिशंस को भी इन डिटेल पढ़ेंगे। आपको एटलीस्ट 3 से 4 वीडियोस मिलेंगी, मतलब ये 3 से 4 क्लासेस लगेंगे, 3 से 4 दिन लगेंगे प्रपोजिशन समझने में, और उसके फिर बाद में रिवीजन भी होगा। साथ ही सेंटेंसेस का भी सेम है, उसको भी 3 to 4 days चाहिए, क्योंकि हम एक ही दिन में आपको सारा नहीं पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, 4 to 5 मार्क्स का आता है, दोनों मिक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तीनों मिक्स करके 4 to 5 मार्क्स का आपका वेटेज बनता है इनका। और ये ऐसे बहुत ही ईजिली वाले नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि आपने शायद उनके वर्ड्स कभी सुने ही ना हो, आपको शायद उसकी सिंपलर मीनिंग पता हो, बट उस टाइम आपको वो वर्ड, मतलब उसका सिंपलर साइनोनिम पता हो सकता है, बट वो वर्ड जो है और उसका साइनोनिम या एंटोनिम जो पूछा होगा वो शायद आपको नहीं पता हो। मोस्टली बच्चे इसमें कहते हैं कि साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कितने करें, तो बहुत है, बहुत बड़ी डिक्शनरी है, क्योंकि प्रपोजिशंस और सेंटेंसेस के फॉर्मूलाज हैं, वो तो याद कर लेंगे, वो समझ लेंगे, वो इतने भी बड़े नहीं है, पर ये कैसे करें, ये सब कुछ सिर्फ रिविजन से हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप रिविजन करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है समझने का कि इस वर्ड का साइनोनिम क्या हो सकता है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। हाँ, सेंटेंस में फॉर्मूला है कि आप पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसके एक फॉर्मूलाज है, वो डिवाइडेड है, वैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ING है, ये है वो है, आप उस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है, जो भी आप सेंटेंस में पता लगा सकते हैं। बट आप साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये पता नहीं लगा सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ उनका रिवीजन करना है। डेली रिवीजन करेंगे तो आपको अपने आप ही जब एग्ज़ाम में आएंगे तो आप 5 में से 4 तो आप कर ही लेंगे, इस बात की तो गारंटी है अगर आप डेली रिवीजन करेंगे तो। तो ये था हमारा सिलेबस, और ये है हमारा नया इनोवेशन आइडिया, नया प्रोग्राम। आप भी बताइए अगर आपको इसके अलावा भी कोई और टॉपिक लगता है जो इम्पॉर्टेंट है बीए ऑनर्स के लिए, तो हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। दैट वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।